everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो देखिए, वैसे भी हम क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले पिछले जो हमारे चैप्टर हमने डिस्कस किए उनके अंदर हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिटेल में हम इनको देखते हैं. तो देखिए, हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में. तो देखिए, जो हमारा कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मेगा डाइवर्स है. उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कल टाइप्स के जो है वहाँ पे प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, और इसके साथ साथ जो है कई तरह की वेजिटेशन वगैरह वहाँ पर यहाँ पर पाई जाती है. तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी जो है मेगा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा मेगा डाइवर्स है. यानी जो वर्ल्ड की 12 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनके अंदर जो है हमारी कंट्री का नाम भी आता है. तो देखिए, हम बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर जो है लगभग 47,000 के करीब जो है वो प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड के अंदर कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर. यानी सबसे ज़्यादा जो है 10th नंबर पर जो है इंडिया के अंदर जो प्लांट्स डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है. देखिए, डाइवर्सिटी क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारी कंट्री के अंदर कितने कितने जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो हमारी क्या है, प्लांट डाइवर्सिटी है. अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर लगते हैं अगर उनकी बात करें, तो वो 15,000 तक जो है वो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, और ये लगभग जो है जितने भी वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं उनका 6% है. तो देखिए, 100 अगर पूरे पूरे जो है वर्ल्ड में अगर 100 जो है फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उनमें से 6 जो है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं. अगर एनिमल्स की बात करें तो 90,000 के करीब जो स्पीसीज़ हैं वो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है. देखिए, अब हम बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है. देखिए, नेचुरल वेजिटेशन होती है कि जब वेजिटेशन अपने आप से ग्रो कर जाती है, यानी उसके अंदर जो है ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ह्यूमन की एड की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप से अनडिस्टर्ब होती है और बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो जाती है, उग जाती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं. तो देखिए, एक वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, देखिए वर्जिन वेजिटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्योरली इंडियन, मतलब ये जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगी किसी भी एरिया के अंदर, ये जो है सिर्फ इंडिया के अंदर ही एंडेमिक है, मतलब ये इंडिजीनियस स्पीसीज़ है, इंडिया के अंदर ही पाई जाती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो वर्जिन वेजिटेशन बोलेंगे. अब देखिए, जो फ्लोरा है वो क्या होता है, देखिए फ्लोरा जो है जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको डिनोट करता है, यानी हमारे एक रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जितने भी जो प्लांट्स हमें दिखाई देंगे, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज वहाँ पर मिलेंगे, वो पूरे के पूरे जो है फ्लोरा को डिनोट करते हैं. और फ्योना क्या होता है, तो देखिए इसी रीजन के अंदर जो है जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वो फोना को डिनोट करते हैं. तो देखिए, हमारी जो ये जो मैंने बता दिया आपको कि वर्जिन जो वेजिटेशन होती है वो क्या होती है, जो प्योरली इंडियन है, यानी जो यहाँ इसी क्षेत्र के अंदर एंडेमिक है, यानी ये कहीं और पर नहीं मिलती है. उसके बाद बात करते हैं एक्जोटिक प्लांट क्या होते हैं. देखिए, एक्जोटिक प्लांट होते हैं जो बाहर से जो है हमारे इंडिया के अंदर आए हैं, ऐसे प्लांट्स जो बाहर से ला करके हमने यहाँ पर उगा दिए हैं और वो हमारे इंडिया के अंदर अब उगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एक्जोटिक प्लांट बोलते हैं. और जो ओनली इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जो ओरिजिनेट इंडिया के अंदर हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं. तो देखिए, जो डाइवर्सिटी होती है और जो ये नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारी किस चीज़ से इफेक्ट होती है, इसके जो है फैक्टर क्या हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, यानी कहीं कहीं पर आपको जो है किसी का डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, तो वो किस वजह से होता है. तो देखिए, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा है रिलीफ फैक्टर. तो देखिए, रिलीफ के अंदर हमारा आता है लैंड और सोइल, ये दो फैक्टर आते हैं रिलीफ के अंदर. तो देखिए, अगर हम बात करें लैंड, तो देखिए जिस टाइप की हमारी लैंड होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी अर्थ के ऊपर क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे. और इसके साथ साथ जो है ऐसे ही एनिमल्स भी, जिस तरह की लैंड जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर एनिमल्स भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. देखिए, अगर हम हिमालयस की बात करें, तो देखिए हिमालयस के ऊपर क्या होती है, मोस्टली स्नो कवर्ड होती है, स्नो होती है. अब उनके ऊपर अगर स्नो होगी तो वहाँ पर कैसे जो है वृक्ष होंगे, तो देखिए वहाँ पर मोस्टली जो है कॉनिकल वृक्ष मिलते हैं. कॉनिकल क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जैसे ही स्नोफॉल होगा तो वो क्या करेगा, इनके ऊपर से फिसल के वो नीचे की तरफ जो है गिर जाएगा, और इसकी वजह से ये प्लांट्स जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं.
तो इसी तरीके से देखिए, जहाँ पर काफ़ी रफ टेरेन है, मतलब आप बात करें जहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो देखिए उस लैंड पर कैसे जो है ग्रास लैंड वगैरह मिलेंगे। देखिए वहाँ पर जो है ग्रास लैंड वगैरह मिलेंगे आपको, वहाँ पर ज़्यादा लंबे ट्रीज़ नहीं मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ एरिया होते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं, कुछ लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ एरियाज जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, हिलीज हैं, तो वहाँ पर उस तरीके की वेजिटेशन मिलती है। तो देखिए लैंड क्या करता है, एक तरीके से इफेक्ट करता है वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं सोयल के बारे में। तो देखिए सोयल के ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी, क्या डिपेंड करती है, हमारी वेजिटेशन। देखिए अगर हमारी सोयल जो है वो फर्टाइल है, तो फर्टाइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए उसको अच्छा माना जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए सोयल भी हमारी डिफरेंट टाइप की होती है, उसके अंदर जो अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जैसे ब्लैक सोयल की अगर हम बात करें, तो ब्लैक सोयल के अंदर क्या होता है, ब्लैक सोयल के अंदर हमें जो है कॉटन ज़्यादा अच्छे से जो है ग्रो करती है। तो और इसके साथ साथ देखिए हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ पर कैसे ट्रीज मिलते हैं, वहाँ पर कॉनिकल मिलते हैं, तो वहाँ की जो है मिट्टी अलग होती है। और वहाँ पे जैसे टी और कॉफ़ी प्लांटेशन भी हिली एरिया के अंदर होता है। टी अगर आप कॉफ़ी उगाना चाहते हो, टी उगाना चाहते हो, तो वो भी हिली स्लोप के ऊपर होता है। इसके साथ साथ अगर सैंडी सोयल की बात करें जो डेजर्ट के अंदर मिलती है, वहाँ पर थॉर्नी बुशेज आपको मिलेंगी, कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस के जो पेड़ हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ जो बिल्कुल वेट और मार्शी जैसे कि डेल्टा वाले रीजन है, डेल्टा जहाँ पर बिल्कुल गिल्ली यानी जहाँ पर रिवर्स जो है वो सी के अंदर मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, मैनग्रोव टाइप के जो है फॉरेस्ट मिलेंगे, जो कि स्लाइन वाटर के अंदर यानी खारे पानी के अंदर भी खड़े रह सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए वहाँ की जो सॉयल होती है वो अलग होती है। तो इस तरीके से अलग अलग सॉयल के टाइप पर भी हमारा क्या डिपेंड करता है, हमारी वेजिटेशन डिपेंड करती है। तो इसके बाद बात करते हैं हम क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए क्लाइमेट के अंदर जो है, सबसे पहले हमने रिलीफ के बारे में बात की, जो रिलीफ के अंदर फैक्टर थे हमारे लैंड और सोयल उनके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए क्लाइमेट में हमारे तीन फैक्टर आते हैं, सबसे पहले हमारा टेम्परेचर, उसके बाद सनलाइट, और उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। अब देखिए टेम्परेचर के ऊपर भी हमारी क्या करती है, वेजिटेशन लाई करती है। अब देखिए जहाँ पर जो है ज़्यादा बिल्कुल मतलब यहाँ से जहाँ पर थोड़ा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा ग्रो करती है। अब देखिए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे कि आप माउंटेन का बिल्कुल ऊपर वाला जो है ये वाला हिस्सा देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर स्नो स्नो जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है बिल्कुल कम, यहाँ पर वेजिटेशन आपको बहुत कम मिलेगी, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आप आएंगे तो वहाँ पर आपको वेजिटेशन ज़्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे आप माउंटेन के ऊपर, ऊपर जो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर वेजिटेशन कम होती चली जाएगी। इसके साथ साथ देखिए बात की है यहाँ पे स्लोप ऑफ हिमालय है, जैसे ही जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे हाइट के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको अलग तरह की सोयल मिलेगी और वहाँ पर जो वेजिटेशन भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो इसके साथ साथ जो है हमारा टेम्परेचर जो वो क्या करता है, जैसे हमने देखा है कि इक्विटोरियल जो रीजन होता है ना, इक्विटोरियल रीजन 0 डिग्री, और इसके साथ साथ ये ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर सन की मूवमेंट होती है, जहाँ पर सन की मूवमेंट होती है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। तो इसलिए मोस्टली जो वेजिटेशन है, ज़्यादातर वेजिटेशन हमें यही मिलती है। लेकिन जगह अगर हम पोलर रीजन के अंदर चले जाएँ, वहाँ पर सनलाइट भी नहीं होती है, सनलाइट नहीं होती और साथ में वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है। देखिए अब सनलाइट वाला फैक्टर भी इसके साथ साथ आपका कवर हो गया है कि सनलाइट क्या करती है, वो अलग अलग लैटिट्यूड पर और अलग अलग अल्टीट्यूड पर जो है सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो है ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो क्या होती है, समर के अंदर जैसे जब सन की लाइट ज़्यादा होती है तब तो फास्टर होती है, और जहाँ पर सन की लाइट नहीं होती वहाँ पर क्या मिलते हैं, वहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ आपको दिखाई देंगे। तो ये भी मैंने जैसे ये पोलर का और इक्वेटर और ट्रॉपिकल का जो आपने को एग्जांपल लेकर दिखाया है कि यहाँ पर सन की मूवमेंट होती है तो यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट होती है और उसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है और पोलर रीजन में बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो देखिए प्रेसिपिटेशन भी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल हाई हाई फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। जहाँ पर थोड़ी कम रेनफॉल होगी वहाँ पर बिल्कुल थोड़ी हाइट के जो आपको पेड़ मिलेंगे, और जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल ही नए के बराबर होगी वहाँ पर आपको मिलेंगी झाड़ियाँ, शब्स।
तो ये हमने देखा है कि जैसे मानसून का टाइम आता है, आपने देखा होगा कि वेजिटेशन अपने आप ग्रो करना शुरू कर जाती है। जब हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ पर डेंस डेंस वेजिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर कम होती है वहाँ पर बिल्कुल स्कार्स, यानी कि वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह ही उगती हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। देखिए इकोसिस्टम होता क्या है, देखिए जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट क्यों होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। हम प्लांट्स से क्या करते हैं, वहाँ से हम जो हमारा फूड है वो ग्रेन करते हैं। इसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और इसी तरीके से जो प्लांट्स भी होते हैं वो भी हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही उसको जो है एक न्यूट्रिएंट के अंदर मतलब कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट उसको डायरेक्ट सॉयल से लेकर और जो है उसको अपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया में यूज़ करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे नाइट्रोजन को जो है प्लांट जो है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये आपने सुना है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस नाइट्रोजन को जो हमारी एयर के अंदर मिलती है उसको प्लांट जो है वो क्या कर वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और वो नाइट्रेट जाकर फिर जो है प्लांट्स उसको यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए ये जो डिपेंडेंस है, ये जो आपस में इंटर रिलेशन है इनका और इनकी इंटरडिपेंडेंस है इनके एनवायरनमेंट के ऊपर, वही क्या करता है, वही इकोसिस्टम बनाता है। यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स ये सब मिल करके अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा हमारा, एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारा हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। अब देखिए इनसे भी जो हमारे हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। एयर जो है उसमें ब्रीथ करते हैं, सनलाइट है उससे जो है प्लांट्स की ग्रोथ होती है, और एनिमल्स के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर भी काम आता है ड्रिंकिंग के। तो जब इनका आपस में सबका एक इंट्रैक्शन होता है और ये आपस में इंटरडिपेंड होकर जो एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए एक जो लार्ज इकोसिस्टम होता है ना, अगर उसके अंदर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन और एनिमल्स लाइफ मिलती है तो उसको हम एक तरीके का क्या बोलते हैं, बायोम। इकोसिस्टम छोटा होता है लेकिन अगर उसको मतलब हम क्या कर दें, एक डिस्टिंक्ट टाइप का मतलब एक लैंड का जो हिस्सा जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप की जो है क्या मिलती है, वेजिटेशन वगैरह मिलती है और एनिमल लाइफ मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, एक तरीके का बायोम है। इसके अंदर जो ट्रीज वगैरह मिलेंगे वो अपने मतलब एक उनका क्या होगा, एक तरीके का जो है उनकी खुद की अपनी अलग अलग फीचर्स होंगी कि वो जो ट्रीज हैं वो किस किस तरीके के एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रो करते हैं, इसके साथ साथ उनको कितनी सनलाइट और कितना जो है उनको टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ इसी ट्री इन्हीं के अंदर जो है जिस तरीके के एनिमल्स रह सकते हैं वही आएंगे। जैसे दूसरा हम ले सकते हैं ग्रास लैंड, तो ये भी ये क्या है, एक तरीके का बायोम है। इसके अंदर अलग टाइप की वेजिटेशन आपको मिलेगी, साथ में जो है अलग तरह तरह के एनिमल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे टुंड्रा, टुंड्रा के बारे में, टुंड्रा कहाँ पर मिलता है हमारा, ये जो हमारा पोलर रीजन के अंदर होता है, तो वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर अलग तरीके के वेजिटेशन मिलती है और अलग तरीके के एनिमल्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये क्या है, अलग अलग बायोम है, फॉरेस्ट का अपना बायोम है। देखिए यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं और यहाँ पर रहने वाली जो वेजिटेशन और प्लांट्स हैं वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, इस एरिया के अंदर नहीं रह सकते वो। ऐसे ही अगर हम बात करें डेजर्ट के अंदर जो हमारे मिलते हैं जो भी कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह वो मिलती हैं, ये भी अलग तरीके का क्या है, बायोम है डेजर्ट भी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज मिलते हैं वो इधर यहाँ पर नहीं, उनका मतलब जो टेम्परेचर जो अपनी उसकी कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी और ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का क्या होता है, बायोम होता है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यानी अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं उनका इकोसिस्टम, और उनकी जो जो टेम्परेचर और सनलाइट इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन वाली नीड भी जो है अलग अलग होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सर्वाइव करते हैं।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर मेनली जो है 5 टाइप्स की जो है वेजिटेशन मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में, फिर डेसिडियस के बारे में, उसके बाद थॉर्नी जो फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, और मैनग्रीव फॉरेस्ट। तो इनके बारे में हम जो है थोड़ा डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। वैसे हम इनको 2 बार डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले लेसन्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी हम थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। देखिए, नाम से पता लग रहा है हमेशा हरे भरे रहने वाले जो पेड़ होते हैं उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पे हमारा रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर मिलेंगे, और इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या करते हैं पूरे टाइम हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो पेड़ हैं वो एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराएंगे, इनके जो पत्तियाँ गिराने का टाइम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक मान लिया ये हमारा क्या है, इस एरिया के अंदर ये हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें जो है हमारे 100 पेड्स ये 100 जो ट्रीज हैं वो लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इनमें से 10 मान लिया 10 ट्रीज ने क्या किया, अभी हम अपने जो है लीव्स गिरा दिए, उसके बाद 90 के पास तो रहेंगे ना, 90 के पास जो लीव्स है उनकी वजह से ये बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे। और जब तक अगले 10 जो अपनी लीव्स गिराएंगे, जो पहले वाले 10 से उनकी लीव्स वापस आ जाएंगे, तो इस वजह से ये आपको क्या दिखाई देंगे, बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे। और ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। और हैवी रेनफॉल कहाँ पर होता है, ये हमारा वेस्टर्न घाट के अंदर। तो देखिए, ये हमारा वेस्टर्न घाट के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मॉनसून सबसे पहले आता है, उसके बाद जो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान जो मैंने पिछले लेसन्स में आपको कराए हुए हैं, इसके साथ साथ जो असम का एरिया है, असम मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पर, तमिलनाडु का जो एरिया है जहाँ पर सर्दियों के टाइम पर बारिश होती है, वापस लौटता हुआ जो मॉनसून आता है उस टाइम पर तमिलनाडु के जो कोस्ट पर बारिश होती है उसकी वजह से, तो यहाँ पर कैसे ट्रीज मिलते हैं, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है, और इसके साथ साथ देखिए इनकी हाइट काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती है, ये देखिए 60 मीटर तक की ऊंचाई तक चली जाती है, उससे भी ज़्यादा चली जाती है। यहाँ का रीज़न काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी वेट भी होता है पूरे के पूरे साल। इट हैज़ लग्जरियंट वेजिटेशन, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है टाइप की वेजिटेशन आपको मिलेगी, ट्रीज मिलेंगे, शब्स मिलेंगी, क्रीपर्स मिलेंगे। क्रीपर मतलब जो हमारी बेल वगैरह होती है ना, वो एक दूसरे दूसरे ट्रीज़ का सहारा लेकर के उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो उनको हम क्रीपर बोलते हैं। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल लंबे जो पेड़ हैं वो भी मिलेंगे, छोटे पेड़ भी आपको मिलेंगे, शब्स वगैरह भी मिल सकती हैं, लेकिन शब वैसी ही आपको मिलेंगी जो सन की लाइट के बिना सर्वाइव कर सकती हैं, क्योंकि इन ट्रीज़ के अंदर सन की लाइट जो है ग्राउंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होती है। तो इनका जो एरिया होता है, नीचे का जो एरिया होता है अंदर वाला, वो काफ़ी डार्क होते हैं ये फॉरेस्ट। तो देखिए, इनका कोई टाइम नहीं होता अपनी लीव्स वगैरह गिराने का, तो ये मैंने आपको बता दिया। फॉरेस्ट जो हमेशा आपको कैसे लगेंगे, ग्रीन लगेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रीज देखिए इसमें कौन कौन से हैं, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना, ये जो है कुछ एक पेड़ हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनके नाम याद रखिए, क्योंकि कई बार जो आपको ऑप्शन में जो है क्वेश्चन डाल के ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का जो पेड़ है, तो वो आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ देखिए, यहाँ पर कैसे एनिमल्स आपको मिलेंगे, एलिफेंट्स, मंकी, लेमोर, डियर, इस तरीके के एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ देखिए, वन ओन ट्राइनोसोर, एक सींग वाला गेंडा बोलते हैं जिसको, जो कि असम और वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स भी मिलेंगे, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस और स्नेल, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं हमारे वाइल्ड लाइफ जो है इन फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, आप फिगर की सहायता से देख सकते हैं, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है वेस्टर्न घाट, इनके अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ये देखिए तमिलनाडु की कोस्ट है, यहाँ पर एवरग्रीन, और ये देखिए असम का एरिया है, ये देखिए इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, और ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये देखिए लक्षद्वीप, और यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगे, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे।
अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस के फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, ये हमारे पर्णपाती वन यानी पतझड़ के वन, तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि ये अपने क्या करते हैं, एक साथ की सारी लीव्स जो है वो गिरा देते हैं, वो भी किस टाइम पर, जब रेनफॉल नहीं होता, जब इनको वाटर नहीं मिल पाता, तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी लीव्स गिरा देते हैं, और उनकी वजह से इनको जो है पतझड़ के वृक्ष बोला जाता है। और जब रेनी सीजन आता है, जब इनको जो है वाटर मिलता है, तो उस टाइम पर ये इनकी जो है जो पत्तियाँ वो आ जाती हैं और ये हरे भरे पेड़ हो जाते हैं। तो देखिए ये किस रीजन के अंदर होते हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और अप टू 70 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहां पर बारिश होती है वहां पर ये पेड़ मिलते हैं। अब देखिए ये जो है अपने इनकी जो लीव्स होती है ना, अबाउट टू 8 और 6 मंथ इन द ड्राई, तो ये जो है लगभग 6 से 8 महीने तक अपनी जो पत्तियां हैं उनको गिरा के रखते हैं, जब ड्राई समर होती है, जब बारिश नहीं होती उस टाइम पर। देखिए इनको टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो मॉइस्ट और एक ड्राई डेसीडियस। अब मॉइस्ट और ड्राई डेसीडियस में क्या फ़र्क है, देखिए मॉइस्ट नाम से पता लग रहा है, यानी जहाँ पर मॉइस्ट नमी ज़्यादा होगी, नमी कहाँ पर होगी, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो देखिए 100 से 200 के बीच में जहाँ पर रेनफॉल होगा वहाँ पर ये मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, और ड्राई डेसीडियस ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यानी इससे कम बारिश होगी, वहाँ पर ड्राई डेसीडियस मिलेंगे। तो देखिए मॉइस्ट डेसीडियस हमारे कहाँ कौन कौन से पार्ट के अंदर मिलते हैं, तो ये कुछ जो नदन ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पर मिलेंगे, साथ साथ में अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की फुट हिल के पास मिलेंगे, झारखंड, वेस्ट ओडिशा के अंदर मिलेंगे, छत्तीसगढ़, और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप हैं, देखिए वेस्टर्न घाट के अंदर इस तरफ जो है हमें बहुत जो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पर हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे जैसे रेन जो है मतलब जो विंड्स है इधर आएंगी, तो वो जैसे ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर क्या करती है, पूरी की पूरी बारिश इधर कर देती है, और यहाँ के लिए यहाँ पर वाटर नहीं बचता, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो देखिए कौन कौन से पेड़ इसके अंदर आते हैं, टीक, बेम्बू, ताल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मुलबरी, तो ये सारे के सारे वृक्ष जो हमारे डेसीडियस यानी मॉइस्ट डेसीडियस के अंदर आते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं ड्राई डेसीडियस के बारे में। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर रेन कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, और ये जो है कहाँ पर मिलेंगे, फाउंड इन रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा पेनिनसुलर वाला प्लेट्यू है, जो ये वाला जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, ये वाला जो प्लेट्यू है वहाँ पर मिलेंगे, इसके साथ साथ प्लेन्स ऑफ बिहार, बिहार के अंदर, और उत्तर प्रदेश के जो प्लेन है वहाँ पर मिलेंगे। इसमें पेड़ देखिए कौन कौन से, टीक, ताल, पीपल, नीम, तो ये वाले पेड़ यहाँ पर मिलेंगे। एनिमल्स देखिए कौन कौन से हैं, लोयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ये हमारे सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे। कुछ और देख लीजिए, बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक और टोर्टोइस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए इसको फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो आपको हल्का ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा का पूरा मॉइस्ट और ड्राई दोनों के दोनों जो हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट हैं उनका एरिया है, ये पूरा का पूरा जितना आपको दिख रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के प्लेन है, ये बिहार के प्लेन है, और ये देखिए ये जो पेनिनसुलर रीजन का जो हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे, ये उड़ीसा देखिए इसके अंदर, तो यहाँ पर ये सारे के सारे हमें क्या मिलते हैं, ड्राई डेसीडियस। तो यहाँ जितना भी एरिया यहाँ पर हमारे इंडिया का कवर्ड है, उससे आपको पता लग रहा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो मोस्टली सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन से पेड़ हैं, वो यही है ड्राई डेसीडियस, मतलब जो मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, मतलब पतझड़ के वन जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद बात करते हैं हम थॉर्नी फॉरेस्ट, नाम से आपको ज्ञात हो रहा है, और स्कब्स, ये कहाँ, सब्स, ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, ये हमें मिलेंगी जो हमारा एरिया है जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल 70 सेंटीमीटर से भी बिल्कुल कम पर होता है, कम होती है रेनफॉल, वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, थॉर्नी ट्रीज होंगे यहाँ पर, यानी जिनके ऊपर जो है पत्तियाँ बहुत कम होंगी, नए के बराबर होंगी, ऐसे ही ऐसे पेड़ यहाँ पर मिलेंगे, बुशेस मिलेंगी, झाड़ियाँ, तो ये किस जगह पर मिलेंगी, जहाँ पर हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, सैंड वाला एरिया है, तो देखिए ये जो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो सेमी एरिड एरिया है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेजर्ट का कुछ एक हिस्सा जो है यहाँ पर फैला हुआ है, इसके साथ साथ जो है कुछ एक जो है रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ते हैं, जहाँ पर बारिश जो है पहुँच नहीं पाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलेंगे, अकाशियास, पाम्स, यूफोर्बियस, कैक्टी,
ये जो है पेड़ यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद देखिए ट्रीज जो है वो काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड मतलब दूर दूर तक फैले होते हैं जो है, और मतलब ये इकट्ठे नहीं पाए जाते, घने नहीं पाए जाते, दूर दूर पर अलग अलग जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर मॉइस्चर इनको मिल जाता है वहीं पर ये उग जाते हैं। इनकी रूट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, काफ़ी डीप होती हैं सोइल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ज़मीन से जो है पानी सोखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ से इनका स्टेम जो है वो कैसा होता है, स्क्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। इनका जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है ताकि ये अपने अंदर जो है वाटर को कंजर्व कर सके। इसके साथ देखिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, आर मोस्टली थिक, बिल्कुल थिक, वैक्सी जैसे मोम होता है बिल्कुल वैसी होती हैं, स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और बहुत छोटी होती हैं। बहुत छोटी क्यों होती हैं, ताकि वहाँ पर इवेपोरेशन ना हो सके, क्योंकि लीव्स के द्वारा जो क्या होता है ट्रीज़ के अंदर ट्रांसपीरेशन होता है, उसकी वजह से क्या करते हैं वो अंदर का जो मॉइस्चर होता है उसको बाहर एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। जब लीव्स छोटी होंगी तो वो इवेपोरेशन जो होगा यानी जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन मतलब जो पानी है उसका किसके अंदर, हवा के अंदर जो है मिल जाना, उसका हवा के अंदर मतलब वाष्प बन के उड़ जाना, तो वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर थोरनी फॉरेस्ट होते हैं, जो शर्ब्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए एनिमल्स कैसे मिलते हैं, रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लोयन, और इसके साथ साथ वाइल्ड एश होता है, हॉर्सेज होते हैं, कैमल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एरिड रीजन, देखिए ये पंजाब वाला एरिया, ये हरियाणा है, यहाँ पर एमपी, ये गुजरात, और ये राजस्थान। इस एरिया के अंदर देखिए, और ऊपर से ये वाला जो एरिया है इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं, तो ये एरिया जो है बिल्कुल रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जब विंड्स आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर करके सबसे ज़्यादा रेन यहाँ पर कर देती हैं। थोड़ा बहुत पानी अगर इनके अंदर बच जाता है तो वो यहाँ पर रेन कर देती हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर तो रेनफॉल हो ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल ही जब भी वो यहाँ से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर तो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। और इस एरिया के अंदर कहाँ से होती है, जब ये वाली जो विंड्स हैं इस तरीके से चलती हैं तो यह आगे ऐसे रेनफॉल करती हुई चलती हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो ड्राई रह जाता है, और जब तक ये विंड्स यहाँ पर पहुँचती हैं यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है वाटर, फिर से ये एरिया जो है ड्राई रह जाता है। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। नाम से आपको क्लियर हो रहा है माउंटेन फॉरेस्ट के होते हैं जो माउंटेन्स के ऊपर पाए जाते हैं, जो हाइट पर पाए जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और डिक्रीज होगा तो वेजिटेशन भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब देखिए जो वेट टेम्परेट टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, 1000 से 2000 की हाइट पर। देखिए ये जैसे हमारा माउंटेन है, नीचे तक आपको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीज मिलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारी लैंड के ऊपर मिलते हैं, 1000 की हाइट तक मोस्टली आपको जो है वही ट्रीज मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 1000 से 2000 की हाइट तक जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेट टेम्परेट वाले जो फॉरेस्ट होते हैं यानी जो टेम्परेट रीजन के अंदर, जो ठंडे प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, वो वाले जो है यहाँ पर आपको ट्रीज मिलेंगे। तो देखिए इनकी ये एक तरीके से एवरग्रीन होते हैं, और इनकी जो है लीव्स भी काफ़ी ब्रॉड होती है। इसके अंदर नाम देखिए क्या क्या है ट्रीज़ के, ओक्स एंड चेस्टनट्स, ये जो है इसमें मेनली ये ट्रीज पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप 1500 लेकर 3000 की हाइट तक जाएंगे, यहाँ तक 3000 की हाइट तक आप जैसे ही चले जाएंगे, 3000 की हाइट तक, वहाँ पर देखिए टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाता है, और वहाँ पर क्या आपको थोड़ा स्नोफॉल दिखाई देगा, और वहाँ पर कैसे ट्री मिलेंगे आपको, कोनीफ्रस, कोनीफ्रस जो कि कोनिकल शेप के होते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रोस एंड केदार, ये सारे के सारे जो आपको वहाँ पर ट्रीज मिलेंगे। लेकिन थोड़ा और हाइट पर अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर आपको ग्रासलैंड ही मिलेंगी, यानी और आगे चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर ट्रीज नहीं मिलेंगे, ग्रासेस या आपको शब्स ही वहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर जो हमारे जैसे कि मोर देन अगर 3600 किलोमीटर की मतलब मीटर की हाइट पर अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। अल्पाइन वेजिटेशन जो हमारे माउंटेन के अंदर मिलती है उसको बोलते हैं। तो देखिए ये सिल्वर फर, जेनिफर, पाइन्स, बर्च, तो इस तरीके के ट्रीज जो है वो हमें वहाँ पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो माउंटेन के अंदर रहने वाली जो ट्राइब्स होती हैं, नोमैडिक ट्राइब, मतलब ये घूमती रहती हैं, जब विंटर का सीज़न होता है तो ये क्या करती है, वैली नीचे वाले एरिया के अंदर आ जाती हैं, और जब समर गर्मियों का सीज़न होता है तो ये हिली एरिया के अंदर चली जाती हैं, तो इसलिए इनको नोमैडिक मतलब घूमते रहने वाली जो ट्राइब्स हैं वो बोलते हैं, घुमंतू लोग।
तो इसके अंदर कौन कौन से नाम दिए गए हैं, देखिए गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर और बकरवाल जो हिमालय रीजन के अंदर रहते हैं, वो है ये दो प्रजातियां हैं, दो ट्राइब्स हैं जो हिमालय के अंदर, हिमालय रीजन के अंदर रहती हैं। तो मोस्टली देखिए बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर मोएसिस और लाइकेन मतलब काई वगैरह आपको मिलेगी, टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन। बिल्कुल वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ लाइकन जो काई वगैरह जम जाती है ना हमारी, वो मिलेगी वहाँ पर। ओके, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एनिमल्स कौन से हैं, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सिल्फ शिप। इसके साथ साथ देखिए जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटलोप और याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, टोगी हॉर्न, वाइल्ड एबक्स और बियर, रेयर रेड पांडा और इसके साथ साथ शिप और गॉट्स। इनके जो हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी जो इनकी खाल होती है, फर होते हैं, क्योंकि इनको जो है एक तरीके से ये ठंडे एरिया के अंदर रहते हैं, तो इनकी जो स्किन भी है उसी के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा अलग सा पैरेट ग्रीन जो आपको दिख रहा है वो देखिए, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये माउंटेन पाए जाते हैं हमारे, यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। तो देखिए ये रीज़न और साथ में ये सिक्किम वाला रीज़न, तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट मैंने आपको बताया जहाँ पर रिवर्स क्या करती हैं, रिवर्स जब ओशन के अंदर मिल जाती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं, और उस डेल्टा के किनारे पर ही हमारे क्या मिलेंगे, वहाँ डेल्टा के अंदर ही हमारे मैनग्रोव जो है वो मिलेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। तो देखिए ये जो है सॉल्ट टॉलरेंट, जो हमारा सॉल्ट होता है उसको टॉलरेंट करने वाले ट्री होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट ट्री मतलब टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं हम इनको। और देखिए ये जो हमारे टाइड के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये जो मड और जो सिल्ट एक्यूमुलेट की जाती है इन कोस्टल के अंदर, यानी जो हमारी रिवर्स जो है वो लेके आती हैं मड वगैरह, सिल्ट वगैरह, वो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं, तो उनके अंदर ये ग्रो कर जाते हैं। इनकी रूट्स जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती हैं, पानी के अंदर जो है मतलब आपको सबमर्ज डूबी हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ देखिए ये जो है मोस्टली डेल्टा के अंदर होती हैं, जैसे कि जो गंगा का डेल्टा है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो ये रिवर्स देखिए, इन रिवर्स को मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप रिवर्स के बारे में वो और डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारा हम जो ज्योग्राफी हमने जो अपना अलग से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करवा रहे हैं, तो उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको डिटेल से करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम वहाँ पर आपको जो है ये रिवर्स के बारे में और भी डिटेल से करवाएंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी, और पिछले लेसन के अंदर भी हम इनको कर चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि ये रिवर्स जो है वो कहाँ कहाँ से फॉलो करती है। तो देखिए इन डेल्टा के अंदर हमारे क्या मिलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, तो देखिए ये वर्ल्ड में सबसे जो है विशाल डेल्टा है, और यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, और यहाँ की टिम्बर जो है लकड़ी होती है जो यहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और ये ड्यूरेबल भी होती है, यानी फर्नीचर के बहुत अच्छे से काम आती है, वाटर रेजिस्टेंस होती है, वाटर इनके अंदर जो है मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। तो देखिए यहाँ पर मोस्टली कौन से जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से जो है ट्रीज आते हैं, देखिए पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर, तो इस तरीके के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर। देखिए बंगाल टाइगर जो है वो हमारा, बंगाल टाइगर जो है वो मिलता है। इसके साथ साथ दूसरे जो जो हमारे वाइल्ड लाइफ में वो कौन कौन से हैं, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और स्नेक्स, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं ये, देखिए ये सुंदरवन डेल्टा आप देख रहे हैं यहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ साथ देखिए गोदावरी, गोदावरी का डेल्टा देखिए, महानदी, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, इसके साथ साथ यहाँ पर कावेरी का डेल्टा भी है, उसके पास भी आपको थोड़े से मैनग्रोव वन मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। अब हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं। देखिए मेडिसिनल प्लांट आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि औषधि देने वाले पौधे, तो देखिए जो जो हमारे पौधे जो हैं हमारे औषधि के काम आते हैं, औषधि मतलब एक तरीके से हमारी जो डिजीज होती है हमारे बॉडी के अंदर उनको ट्रीट करने के लिए जो काम आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। तो देखिए मोस्टली हम जो है इन मेडिसिनल प्लांट का, जैसे आजकल तो आप क्या करते हैं जब भी बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें कुछ इंग्लिश दवाइयाँ दे देता है जो कि टेबलेट्स वगैरह के रूप में हम लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम पर ये चीज़ें नहीं होती थी। तो पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनका यूज़ करते थे, किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए इन जो औषधियों का योग हम यूज़ करते थे। देखिए एंशियंट टाइम पर जो है मतलब इंडिया को जाना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मतलब मेडिसिन जो है एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ किया जाता था डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और इंडिया के अंदर कम से कम कितने 2000 प्लांट्स जो है
वो आयुर्वेद जो आयुर्वेदा है उसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं, और जिसमें से एटलीस्ट जो 500 जो है 500 उनको हम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी जो है बात है कि कितने अच्छे मतलब ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ का हम पूरे एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया के अंदर डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें कि जो हमारी यूनियन मतलब वर्ल्ड कंजर्वेशन रेड लिस्ट है उसके अंदर जो है 352 यानी 352 जो मेडिसिनल प्लांट है उनको डाला गया है। और क्यों क्यों डाला गया है, क्योंकि ये डेंजर में है, मतलब ये लगभग जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, इनकी नंबर ऑफ संख्या जो है मतलब इनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है। और 52 की अगर हम बात करें ये बिल्कुल ही क्रिटिकल थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, और ये 49 की बात करें ये एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, बहुत कम जो है ये प्लांट्स बचे हुए हैं, तो इसलिए इनको रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है। ये जो प्लांट्स हैं इनको रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो देखिए मेनली जो कॉमनली हम अपने घर में यूज़ करते हैं, देखिए कौन कौन से हैं, देखिए सर्प गंधा की बात करते हैं तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हम सर्प गंधा का यूज़ करते हैं। और ये देखिए मेन बात देखिए कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जामुन, देखिए जामुन तो आपने खाया होगा, तो देखिए जामुन की बात करते हैं, ये काफ़ी एक जूसी फ्रूट होता है, काफ़ी मतलब आप इसके अंदर देखेंगे इसको खाएंगे तो इसके अंदर एक तरीके का जूस जूस जैसे हम निकालते हैं तो वो इस तरीके का जूसी फ्रूट होता है, जूस निकलता है इसके अंदर से, वाटर का कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। इसको यूज किया जाता है विनेगर सिरका बनाने के लिए, इसको हम यूज़ करते हैं, विच इज़ कार्मिनेटिव एंड ड्यूरेटिव एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़, मतलब एक तरीके से आपको किसमें हेल्प करता है, ये आपको जो है डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, यानी आपकी जो पेट से संबंधित जितनी भी आपकी बीमारी है उनको ठीक करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ अगर इसके सीड का जो पाउडर है अगर वो यूज़ किया जाए, मतलब इसके जो बीज हैं अगर उसका उनको सुखा कर उनका पाउडर बनाया जाए तो वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन ट्री के बारे में, तो देखिए ये इसके ये भी क्या है, इसकी भी जो लीव्स होती हैं उनकी अगर जो फ्रेश लीव होती हैं उनका अगर जूस निकाला जाए तो वो किसको, ईयर एक्यू मतलब जो हमारे कान का जो दर्द है उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा है ये हेल्पफुल होता है। तो ये इसको आप इसके साथ साथ आप क्या रेगुलेट कर सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, वो भी इससे ठीक हो सकता है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, जो अर्जुन का जो ट्री होता है उसकी लीव्स जो फ्रेश लीव्स हैं उनका जूस निकालेंगे और उसको पियेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं बबूल के बारे में, तो इसकी जो लीव्स है वो यूज़ की जाती हैं किस लिए, जो आई अगर हमारी आईज जो है आईज़ में कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर जो है हमारी आईज़ दर्द कर रही है और उसके अंदर जो आपको जलन महसूस हो रही है तो उसके लिए जो है हम बबूल का यूज़ करते हैं। इट्स गम इज़ यूज एज ए टॉनिक, इसका जो गम है वो भी एक तरीके से टॉनिक की तरह काम करता है, जो इसका गोंद वगैरह होता है एक तरीके से वो भी एक टॉनिक की तरह काम करता है। नीम की अगर बात करें तो देखिए नीम नीम के कितने सारे फ़ायदे हैं, मोस्टली हम घरों में इसको यूज़ करते हैं एक तरीके से एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, जैसे हम नीम की पत्तियाँ वगैरह जलाकर धुआं वगैरह करते हैं जिससे मच्छर वगैरह भी मॉस्किटो वगैरह भी भाग जाते हैं, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हम जो इसके लिए यूज़ करते हैं, एक तरीके से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, मतलब ये जो एक तरीके से कीटाणु जो होती है बैक्टीरिया जो होते हैं उनको उनके खिलाफ काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं देखिए तुलसी, मोस्टली जो हमारे घरों में हम इसको उगाते हैं तुलसी जो प्लांट होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, अब अगर हमें खांसी वगैरह हो जाती है कफ और कोल्ड के लिए इसको यूज़ करते हैं, खांसी वगैरह के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। कचनार देखिए इसको यूज़ करते हैं अस्थमा और अल्सर को ठीक करने के लिए, अस्थमा और अगर अल्सर हो जाता है तो उसके लिए हम कचनार का यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ जो है ये हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होती है उनको ठीक करने में भी काम आता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए हम जिनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये देखिए एलोवेरा, देखिए एलोवेरा का भी मोस्टली हम कितनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, अपने बालों के लिए ऊपर भी हम इनका यूज़ करते हैं, स्किन के लिए यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं हम सर दर्द वगैरह के भी ये को भी ठीक करने के लिए काम आता है। पेपरमिंट पुदीना का देखिए किस तरीके से हम जो है पुदीने का यूज़ करते हैं, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने के बाद काम आता है। इसके साथ साथ मैरीगोल्ड भी आप देख सकते हैं, लेम बाम और लेवेंडर और उसके साथ साथ रोजमेरी और ये देखिए बासिल मतलब तुलसी, तो ये इस तरीके सारे के सारे जो मेडिसिनल प्लांट है इनकी कुछ अपनी अपनी जो है खासियत है, कुछ जो है इनके अंदर विशेष जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती हैं जो डिजीज को क्योर करने के काम आती है।
तो देखिए, यह जैसे मोस्टली जो है हम मैंने बता दिया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में अलग अलग जो है वेजिटेशन पाई देती है। तो यह हमने देख ही लिया कि हिमालय के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होने की जो वजह से जो लद्दाख वाला एरिया है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर देखिए एनिमल्स कैसे कैसे मिलते हैं हमें, याक और जो सैगी हॉर्न्ड विल्ड ऑक्स है वो वहाँ पर मिलते हैं। और इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा हेयरी जो है स्किन होती है, काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं इनकी स्किन पर। इसके साथ साथ तिब्बतन एंटीलोप भी वहाँ पर मिलते हैं, जो भराल है, ब्लू शिप आप देख सकते हैं वो मिलती है, वेल्ड शिप और कियांग तिब्बतियन वेल्ड एश, तो ये भी वहाँ पर हिमालय के अंदर मिलते हैं। देखिए, एक जो है कि हमारा एक जो जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक एक्ट बनाया गया है 1972 में, इंडिया ने इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसलिए बनाया गया है क्योंकि लगातार हमारी जो है क्या हो रही है, वेजिटेशन जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो डेंजर में आती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वन जिससे हमारे जो है फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। और फॉरेस्ट आपको पता है वाइल्ड लाइफ मोस्टली हमारे किसके अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। अब जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएंगे, तो उसकी वजह से इनका जो है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो इनका क्या कर रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से पोचिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड अप भी करते हैं इनका। इनकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है। और इनको प्रोटेक्शन करने के लिए फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो गिर फॉरेस्ट है वो जो है एशियाटिक जो लोयन है उसका एक लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है। मतलब हमारा एशियाटिक जो लोयन है ना वो लगभग सब जगह से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात के अंदर है, सिर्फ वही प्लेस एक ऐसा बचा है इंडिया के अंदर जहाँ पर आपको जो है एशियाटिक लोयन अभी भी मिल सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल जो है लुप्त होने की कगार पर है। इसके साथ साथ देखिए, दूसरे एनिमल जो है बर्ड लाइफ है हमारी, पिकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पीजन्स, ये भी हमारे जो है इनके अंदर गिर फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जो फ्लोरा एंड फ्योना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या स्टेप लिए हैं, मतलब जो हमारी वेजिटेशन है और साथ में जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। देखिए, इसके अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होता है कि एक तरीके से सेटअप किया जाता है कंट्री के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा एंड फ्योना को। मतलब एक एरिया है उसको हम क्या करते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं कि इसके अंदर जो है आपको जो है मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल कोर एरिया जो अंदर का बिल्कुल कोर एरिया होता है उसके अंदर जो है बिल्कुल भी आपको जो है जाने की परमिशन नहीं होती, उस एरिया के अंदर आप जो है एंटर नहीं कर सकते। फिर एक जो है अलग से ऊपर वाला एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, ट्रांजिशन जोन डिसाइड कर दिया जाता है, फिर बफर जोन, एक तरीके से बफर जोन और ट्रांजिशन जोन जो है वो डिसाइड कर दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ तक जो है जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है वो हो सकती है। सिर्फ इन दो लेवल तक ह्यूमन की इंटरफेरेंस हो सकती है, वो भी लिमिटेड लेवल पर, लेकिन कोर एरिया के अंदर कोई भी जो है जो भी इंटरफेरेंस जो है वो अलाउड नहीं होती किसी भी ह्यूमन की। तो इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। तो वो कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी कंट्री के अंदर जो है अब तक, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखिए, जैसे कुछ एक के नाम दिए गए, सुंदरवन डेल्टा के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, नंदा देवी जो उत्तराखंड के अंदर है, गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु के अंदर है, नीलगिरी ये हमारा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। तो इस तरीके से इन सबको क्या किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ देखिए, इंडिया के अंदर क्या किया गया, ये क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो करती है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट देती है, यानी पैसों से मदद करती है साथ साथ में टेक्निकल असिस्टेंट भी देती है। किसके लिए, बोटेनिकल गार्डन बनाने के लिए। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, देखिए जैसे कि मान लिया हमें लगता है कि कोई स्पीसीज जो है किसी जगह बिल्कुल ही खतरे में है, वो बिल्कुल डेंजर में है, उसे स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे उसको वहाँ से ले जाकर किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रख देंगे जहाँ पर उसको फुल प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो इस तरीके से बोटेनिक गार्डन भी जो है वो डेवलप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी 1992 से। इसके साथ साथ कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जैसे टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, राइनोसोर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके साथ साथ दूसरे जो इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी स्टार्ट किए हैं। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर जो है 89 नेशनल पार्क हैं, 490 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और इसके साथ साथ जियोलॉजिकल पार्क भी एस्टेब्लिश किए गए हैं।
तो देखिए, ये जो हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की थी, तो देखिए ये हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है। वैसे तो ये हमारी इस एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाया। तो आप देख सकते हैं इसको, देखिए कोल डेजर्ट जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, कोल डेजर्ट, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, देहांग थेबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, डिब्रू सिखोवा असम, नोक्रेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है, पंचमढ़ी ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, अचानक मार अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है वहाँ पर पड़ता है, कच्छ, कच्छ की बात करें रन ऑफ कच्छ तो ये गुजरात के अंदर है, ये लार्जेस्ट एरिया है काफ़ी ज़्यादा, सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है उड़ीसा के अंदर, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिचाचलम जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, अगस्तामलाई कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला इन तीनों के बॉर्डर पर है, नीलगिरी की बात करें तो ये भी तमिलनाडु केरला के जो है बॉर्डर पर है, इसके बाद गल्फ और मन्नार ये तमिलनाडु के अंदर है, ग्रेट निकोबार जो कि अंडेमान एंड निकोबार के अंदर है। तो देखिए ये जो आपको मैप की सहायता से आपको दिखाया गया है, मैप की सहायता से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। देखिए ये देखिए कोल्ड डेजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये देखिए उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी, कंचनजंगा ये सिक्किम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मानस ये असम के अंदर, ये देखिए डिब्रू सिखोवा ये भी असम के अंदर है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नोक्रेक ये देखिए मेघालय के अंदर है, सुंदरबन आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, ये देखिए अचानक मारा अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, पन्ना ये भी हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है, पंचमढ़ी देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश, रन ऑफ कच्छ देखिए गुजरात के अंदर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषाचलम जो है ये हमारा किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, नीलगिरी देखिए तीनों के ट्राई जंक्शन पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों के ट्राई जंक्शन पर है, ये देखिए कर्नाटका, ये तमिलनाडु और केरला तीनों के ट्राई जंक्शन पर है, ये देखिए अगस्तमलाई, अगस्तमलाई जो हमारा दोनों के बॉर्डर पर है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार ये यहाँ पर है, और ग्रेट निकोबार आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में। तो ये हमारे क्या है, 18 बायोस्फेयर रिजर्व है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ये भी आप एक सेकेंड मैप भी आपको दिया है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये हमारे 18 के 18 आपको बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया के मिल जाएंगे। तो देखिए अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स नाम से आपको पता लग रहा है, जो दूसरी कंट्री से जो है हमारी कंट्री के अंदर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पोलर वाले रीजन के अंदर जो रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं उन वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ के जो टेम्परेचर को वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि विंटर के टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर आ जाते हैं, नीचे वाली कंट्रीज के अंदर आ जाते हैं, यानी जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वो किसकी वजह से, सन की लाइट की वजह से थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है उससे मतलब थोड़ा ऊपर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, तो इसलिए जो है विंटर के टाइम पर ये हमारे इस एरिया के अंदर आ जाते हैं, और जब समर सीजन स्टार्ट होता है तो उसके बाद वापस वो अपने एरिया के अंदर चले जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। तो देखिए ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन का नाम आता है, कम इन द लार्ज नंबर, काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में आते हैं, और इसके अंदर जैसे ये क्या करते हैं, मोस्ट फेवरेबल जैसे प्लेस जो है इनके, ये राजस्थान वाला एरिया है, और इसके साथ साथ जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है वहाँ पर जाते हैं ये, और वहाँ पर मतलब जैसे इसके अंदर कुछ नाम लिए गए हैं जैसे फ्लेमिंगो वगैरह ये भी है और साइबेरियन क्रेन है, वहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, वहाँ पर उस टाइम तक जो है ये रुकते हैं, और फिर उसके बाद जब विंटर सीजन जो स्टार्ट ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर ये यहाँ पे वापस अपनी जो है कंट्री लौट जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं, ये साइबेरियन क्रेन है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।